अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल वंदे मातरम। और आज जो है मैंने ये दिल्ली स्टाइल छोले और ये भटूरे बना करके रेडी किए हैं, तो मैं पूरी टिप्स और ट्रिक के साथ इसे बताने वाली हूँ आज। और अगर आपको मेरी टिप्स और ट्रिक्स जो है अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे बहुत सारा शेयर कीजिए। और आइए हम फटाफट से देखते हैं कि मैंने इसको कैसे रेडी किया है। मैंने जो है ये छोले लिए हैं, थोड़े से मैंने गरम कर लिए थे, मैं वीडियो बनाना एकदम जो है भूल गई थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं जो है दिल्ली वाले छोले और भटूरे बना रही हूँ तो इनकी वीडियो भी बनाई जाए। तो ये देखिए छोले लिए हैं मैंने, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ हल्दी और नमक डाला है। और इसके बाद जो है ये चाय की पत्ती जो है वो एक पानी में थोड़ी सी मैंने उबाल ली है, तो वो इसका पानी जो है वो डाल देना है। अभी चाय की पत्ती जो बची है इसको हमें फेंकना नहीं है, आप जो है इसको किसी भी प्लांट्स के अंदर डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर का काम करती है। एक चम्मच जो है वो सौंफ इसके अंदर डाल देंगे और इसे जो है ढक्कन लगाकर और इसमें 5 से 6 सीटी हम इसमें लगा लेंगे ताकि हमारे जो छोले हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अब हम जो है भटूरे की तैयारी कर लेते हैं, तो उसके लिए जो है मैंने 1 किलो जो है वो मैदा ले लिया है। आज जो है मैं आपको बिल्कुल जो दही वाला भटूरा होता है उस तरीके से बिल्कुल नहीं बनाएंगे। और कई लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि हमारे उनके भटूरे जो है वो बिल्कुल भी नहीं फूलते हैं, तो आप जो है इस तरीके से मेरी इस ट्रिक को आप फॉलो कीजिए, आपके 100% आपके भटूरे जो है वो एकदम गुब्बारे की तरह फूलेंगे। इसको गूंदने के लिए हमें ना कोई इसमें ईस्ट की ज़रूरत है, ना हमें कोई सोडे की ज़रूरत है, हमें किसी भी चीज़ की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। बस आप मेरी तरीके से इसे बनाते जाइए। और इसके अंदर जो है मैंने सूजी थोड़ी सी ऐड की है, साथ में मैं जो है नमक ऐड कर दूंगी। अब हम इसके अंदर ना तो कोई दही का यूज़ करेंगे, ना ही कोई चीनी का यूज़ करेंगे। इसके अंदर जो खमीर उठाने के लिए, बस आप किसी भी चीज़ का यूज़ मत कीजिए। तो आपको करना क्या है कि सिर्फ जो है ये बॉटल आती है बिस्लेरी की, सोडा बॉटल जो आती है, ये इसकी रेट जो है वो 10 रुपये की एक आती है, ये 1 लीटर की। तो इसी हम सोडा वाटर से जो है इसको हम गूंथेंगे इस आटे को, तो आप देखना इतना सॉफ्ट बनेगा भटूरा भी, इतना सॉफ्ट बनेगा, इतना फ्लफी होगा, अंदर से बिल्कुल जालीदार बनेगा। तो हम जो है इस बॉटल को पहले मैं खोल लेती हूँ, तो इसके अंदर जो है एयर पहले से ही बनी हुई थी, तो बस अब इसके बाद जो है हम इसे अच्छी तरह से इसे हम खोल लेंगे। और ये देखिए इसमें आटे में डालते ही ये देखिए कितनी अच्छी तरह से जो है इसमें देखिए अभी से बबल शुरू हो गए हैं। बस इसी से हमें ये पूरा आटा जो है वो तैयार कर लेना है। बिल्कुल इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं मिलाएंगे हम, सिर्फ इसी सोडा वाटर जो है इससे हम इसको पूरे आटे को गूंथ लेंगे। ये देखिए सोडा वाटर से आपको जो है इसको गूंथने से फ़ायदा ये होगा कि इससे आप 10 मिनट के अंदर अंदर इसको भटूरे जो है वो रेडी कर सकते हैं। और इसमें जो घंटों के लिए जो खमीर करने के लिए हमें जो आटा गूंथ करके इसे रख दिया जाता है फुलाने, तो ये देखिए हमारा जो है आटा मेरा गूंथ करके एकदम रेडी हो गया है और मेरी जो छोले हैं वो भी उबल गए हैं, 5 सीटी आ गई है, तो इसे भी मैं गैस को मैंने बंद करके रख दिया है। और ये देखिए आटा जो है ये मेरा अभी से ही आप देख सकते हैं, अगर देखना चाहेंगे तो अभी से देख सकते हैं, इसमें ये देखिए कितनी जाली सी बनना शुरू हो गई है। तो बस इसको जो है हमारे छोले जब तक बन करके रेडी होंगे तब तक जो है हमारा ये आटा जो है वो रेडी हो जाएगा। तो इसे 10 मिनट के लिए जो है इसे हम ढक के रख देते हैं, तब तक हमारे छोले बना लेते हैं। हमारे गैस सीटी निकल गई है और आप ये देखिए एकदम एकदम सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल छोले, बस इसी तरह से हमें रखना है। अब इसको हम बनाते हैं। अब जो हमारा तेल गरम हो गया है तो इसमें तेज पत्ते और लौंग, काली मिर्च और 1 हरी इलायची डाल देंगे, साथ ही इसमें 1/2 चम्मच जीरा और
साथ ही इसमें 3 प्याज जो है उनको मैंने अच्छे से बारीक पीस लिया है, तो वो डाल देंगे हम। और इसे हमें एकदम गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो ये देखिए अच्छे से मेरी प्याज जो है वो फ्राई हो गई है। तो इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच जो है वो अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। लहसुन जो है वो अच्छी तरह से भुन गया है, तो इसके बाद हम इसमें बेसिक मसाले डाल रहे हैं, जिसके अंदर हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, 1 चम्मच एवरेस्ट का छोला मसाला, अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक, और इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मसाले जो है वो इसमें अच्छी तरह से भुन गए हैं। तो इसमें मैंने 3 जो है वो टमाटर की प्यूरी बना ली है, उसको हम इसमें डाल देंगे। और इसे अब अच्छी तरह से टमाटर को हमें पकाना है। टमाटर का पूरा कच्चापन जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए। टमाटर का कच्चापन खत्म होना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है इसमें छोले में इसका टेस्ट आएगा, नहीं तो वरना अजीब सा टेस्ट आने लगता है, वो टमाटर टमाटर का सा टेस्ट आने लगता है, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता है। और ग्रेवी जो है उसमें भी कलर नहीं आता इतना अच्छा। ये देखिए इसमें ऑयल जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। जब तक इसमें एक तरह से जाली नहीं बन के आ जाती ऊपर मसाले की, तब तक जो है हमें इसे भूनते रहना है। ये देखिए मसाला कितनी अच्छी तरह से भून गया है। अब इसके बाद जो हमारे उबले हुए छोले थे वो इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से हम चला लेंगे, उबाल आने देंगे इसके अंदर, हम ढक देंगे इसे हम। 2 मिनट हो गए हैं और ये देखिए छोले कितने अच्छे जो है वो बन करके रेडी हुए हैं। इन पे हमें ज़्यादा पानी इसमें नहीं यूज़ करना है। अब इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच जो है कस्तूरी मेथी, इसे हम मिक्स कर लेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला, और ऊपर से ये हरा धनिया डाल देंगे। और बस तैयार हो गई है मेरी ये छोले की रेसिपी। तो हमारे छोले तो बन करके रेडी हो गए हैं। अब हम कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर जो है हम ये ऑयल डाल देते हैं और इसे गर्म करने के लिए गैस पर रख देंगे। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम अपना जो है आटा वो भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, देखिए कितना अच्छा जो है इसमें अपने आप ही खमीर आ गया है। तो बस इसको थोड़ी सी इसको नीट कर देंगे, इस तरह से 2-4 गूठी मार देंगे इसमें। हमारा अच्छे से जो है ये नीट हो गया है। अब इसके बाद जो हम इसकी छोटी छोटी इस तरह से हम लोइयां जो है इतनी बड़ी बड़ी हम तोड़ लेंगे, ज़्यादा नहीं रखनी है, आप 2 या 3 भटूरे की ही लोई पहले बना करके रख लेंगे। तो मैं जो है अभी फिलहाल 3 भटूरे की लोई बना करके रेडी कर रही हूँ। तो ये देखिए हमने जो है ये इसका जो भटूरा है वो बेलेंगे, तो इस भटूरे के ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे ताकि ये चिपके नहीं, और इस भटूरे को हम बेल लेंगे। तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म करके रखना है और इसके बाद हमने भटूरा उठा के इसमें डाल देना है। भटूरे को फुलाने के लिए जैसे ही ये ऊपर आने लगे इसे वापस नीचे कर देना है। ये देखिए पूरा अच्छी तरह से फूल गया है, तो इसे हम टर्न कर देंगे इस तरह से। तो एकदम रेडी हुए हैं ना, बिल्कुल एकदम गुब्बारे की तरह। अगर आप मेरे इस ट्रिक्स और ट्रिप्स को अगर आप जो है फॉलो करोगे तो आपके जो छोले भटूरे हैं वो भी जो इसी तरह से बनने वाले हैं। और अगर प्रॉब्लम ये होती है, कई बार लोग बोलते हैं कि दही के साथ हमारा जो है वो भटूरा अच्छा नहीं बनता है, तो डोंट वरी, कोई बात नहीं, हमारे पास जो है वो सोडा
पानी जो है उससे जो है हम इसको अच्छी तरह से भटूरे को हम गूथ लेंगे। और फटाफट से रेडी भी जल्दी होता है ये। और ये देखिए कितना बिल्कुल एकदम बना है ना, बिल्कुल गोल मटोल। तो बाकी के भटूरे भी मैं इस तरह से रेडी कर लेती हूँ। और ये देखिए बिल्कुल एकदम गुब्बारे की तरह फूले फूले हमारे छोले भटूरे जो है वो एकदम दिल्ली की स्टाइल वाले एकदम तैयार है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह मेरी और भी वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।